Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रायन। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि भाई कम प्राइस में एक सुपर कार खरीदने के लिए। यहाँ पर देखो यार, मैंने खरीद ली है एक कम प्राइस में सुपर कार। इसका नाम है लैम्बोर्गिनी। इसका साइज तो देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा है। इसको मैंने सिर्फ 1500 रुपीज में खरीदा है। अगर आपको याद होगा तो गाइस, मैंने बहुत दिन पहले ये वाली कार की अनबॉक्सिंग की थी। इसका भी साइज देखो यार, ये एक फरारी है। तो आज अपन इसकी भी फाइट कराने वाले हैं इस लैम्बोर्गिनी के साथ। चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप इस सुपर कार को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे दिया है। तो भाई इसका नाम यहाँ पे लिखा है स्पीड कार बोलकर। बॉक्स के पीछे भी मैं दिखा देता हूँ आपको। शायद इसके दो कलर्स मिलते होंगे। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो इसका रेड कलर भी मिलता है और येलो कलर भी मिलता है। यार मेरे को तो येलो कलर बहुत ही ज्यादा मस्त लगा था, इसलिए मैंने इसको फटाफट से खरीदा। वैसे दोस्तों मैं आपको पूछने वाला हूँ, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कलर कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो इस बॉक्स को मैं यहीं से ही ओपन कर लेता हूं यार, फटाफट से। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से इसको निकालते हैं, फिर फटाफट से चलते हैं बाहर इसकी फाइट कराने के लिए। पहले देख लेते हैं भाई इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, क्योंकि एकदम सस्ती वाली कार है ये। देखने में तो काफी ज्यादा मस्त डिजाइन है इसका, एकदम चमचमा रही है लाइट्स के नीचे। तो यहां से मैं इसको निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर मिलती है एकदम ये वाली बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है। कार के अंदर ये वाली बैटरी नहीं यूज करेंगे, अपन लाइपो बैटरी यूज करेंगे। वो बैटरी भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और क्या क्या चीजें इसके अंदर मैं आपको फटाफट से निकाल के बता देता हूँ। इसके अंदर मिलता है ये वाला रिमोट, शायद इसका एंटीना अपने को अलग से अटैच करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हो इसका एंटीना भी मिल जाता है अपने को इसकी रेंज बढ़ाने के लिए। और ये है बैटरी को चार्ज करने का चार्जर। तो यहाँ पर अपनी एक कार और बाइक को भी मैंने ले लिया है। सबसे पहले यार इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है दोस्तों। सामने से देखो यार, डिजाइन एकदम ब्यूटीफुल है यार, क्या ही किलर लुक्स है इसके। सामने हेडलाइट दिए हुए हैं, यहाँ पे विंडशील्ड है और साइड मिरर्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं किसी से भी टकराएंगे तो। व्हील्स की क्वालिटी ठीक ठाक ही लगी मेरे को, बेस्ट नहीं दी गई है। डोर्स वगैरह इसके अपन लोग जो है ओपन नहीं कर सकते। अंदर की तरफ स्टीयरिंग सीट्स वगैरह काफी मस्त तरीके से नजर आ रही है। तो भाई दोनों का साइज आप देख सकते हो, अपनी जो फरारी है ना भाई साहब, इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। बाकी दोनों की हाइट सेम टू सेम ही मेरे को यहाँ पे लग रही है और दोनों की विड्थ भी सेम टू सेम है। व्हील्स की क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके व्हील्स देखो यार, एकदम मस्त क्वालिटी के इसके व्हील्स उतने खास मेरे को लगे नहीं गए। बाकी दोनों का लुक्स एकदम खतरनाक है। इसके अंदर मैं डालूंगा ये वाली बैटरी। यहाँ से देखो इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह भी कर दिया है। ये एक लाइपो बैटरी है 7.4 वोल्ट की। इसके अंदर फटाफट से डाल दूंगा मैं। इसके अंदर भी मैंने जो है इस बैटरी को अपग्रेड किया है, ये देख सकते हो यार। इसके अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ये वाली बैटरी लगा दी है। ये भी 7.4 वोल्ट की बैटरी है, लाइपो बैटरी है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर प्रोवाइड कर देती है इस कार को। तो यहाँ पर मैंने बाइक क्यों रखी है ये भी आपको बता देता हूँ। इस बाइक की मैं इसके साथ रेस कराने वाला हूँ। देखते हैं दोस्तों, ये जो बाइक है ना यार, एकदम खतरनाक वाली सुपर बाइक है। देखते हैं दोस्तों ये जो कार है ना यार, अपनी सुपर बाइक को हरा पाती है या नहीं। तो चलो दोस्तों अभी अपन लोग चलते हैं बाहर, फटाफट से भाई कराएंगे यहाँ पे खतरनाक वाला टेस्ट। देखते हैं ये कार इन दोनों को आज हरा पाती है या नहीं। लेट्स गो दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर अपनी कार को लेकर। एक बार इसका लुक तो देखो यार, बिल्कुल एक रियल कार की तरह दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा फैंटास्टिक सा इसका लुक है। फटाफट से इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। रिमोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके ऊपर एक मस्त वाला एंटीना दे रखा है। ब्रेक्स वगैरह कार के काफी ज्यादा सही तरीके से लग रहे हैं यहाँ पर। अभी टच करते हैं अपनी फरारी को। आपको पता होगा ये जो कार है ना भाई, कितनी मस्त तरीके से रोड पे चल सकती है। कार देखने में ये भी एकदम रियलिस्टिक दिखाई देती है। अभी देखो यार, दोनों को मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे रख दिया। अभी कराएंगे दोस्तों दोनों के बीच में रेस। देखते हैं रेस में कौन सी कार जीतती है। दोनों कार से एकदम से आगे की ओर निकल चुकी है। यहाँ पर दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर चल रही है। आगे चल रही है अपनी फरारी। देखते हैं लैम्बोर्गिनी यहाँ से आगे निकल पाती है या नहीं। लैम्बोर्गिनी आ चुकी है इसके आसपास में। ओ माय गॉड, फरारी ने इसको टक्कर मारी यार। यहाँ पे फरारी ने थोड़ी सी चीटिंग कर दी है। फरारी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। देखते हैं यहाँ पे चीटिंग का बदला अपनी लैम्बोर्गिनी ले पाती है। लैम्बोर्गिनी ने भी इसको टक्कर मारी और आगे निकल चुकी है। यहाँ पे देखो लैम्बोर्गिनी की स्पीड बहुत ज्यादा यार। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि लैम्बोर्गिनी फरारी को हराने वाली है। ओ माय गॉड, यहाँ पे रेस जीत चुकी है अपनी नई नवेली लैम्बोर्गिनी आरसी कार। अभी कराएंगे दोनों के बीच में पुशबैक। देखते हैं भाई यहाँ पर लैम्बोर्गिनी वापस से जीत पाती है नहीं। दोनों के बीच में टक्कर हो चुकी फरारी ने। क्या टक्कर
टक्कर मारा है भाई लंबोर्गिनी को। देखो लंबोर्गिनी एकदम से हवा में उड़कर पीछे की तरफ आ चुकी थी। यहाँ पर मेरे को लग रहा है भाई फरारी जो है ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल आरसी कार है। रेस तो ये हार चुकी थी पर मेरे को नहीं लगता ये पुशबैक में हारेगी। देखो यार क्लियरली बहुत आसान तरीके से इसने हरा के रख दिया लंबोर्गिनी को। अभी कराएंगे यहाँ पर रेस अपनी बाइक की और इस लंबोर्गिनी के साथ। ये एक सुपर बाइक है यार, इसको मैंने 12,000 रुपये में खरीदा था भाई। इसकी स्पीड अगर आप देखोगे ना गाइस हैरान रह जाओगे, एकदम खतरनाक सी स्पीड होती है। देखते हैं ये बाइक अपनी लंबोर्गिनी को हरा पाती है या नहीं। यहाँ पे देखो यार बाइक अभी से स्टंट वगैरह मारने की कोशिश कर रही है। चलो तो दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि लंबोर्गिनी वापस से जीतने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाइक पीछे पीछे आ रही है, देखते हैं बाइक यहाँ पे क्या करती है। बाइक देखो यार एकदम कटवट मारते हुए लंबोर्गिनी को पीछे करने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे लंबोर्गिनी इसको जरा बराबर भी चांस नहीं दे रही है आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं बाइक यहाँ पे क्या कर पाती है। बाइक देखो यार एकदम सडन पिकअप बढ़ाकर आगे की ओर निकल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको स्लो मोशन में भी बताता हूँ। देखो यार एकदम से भाई इसने अपनी रेस बढ़ा दी है। यहाँ पर दोनों का एक्सीडेंट होते होते रह गया यार। अगर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता तो बाइक धड़ाम से नीचे गिर जाती। अभी देखो यार बाइक आगे निकल चुकी है, बाइक अपनी जीत चुकी है यार इस रेस को। अभी कराएंगे दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं भाई यहाँ पर कौन जीतेगा लंबोर्गिनी या फिर फरारी। दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दिया और भाई यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। लंबोर्गिनी यार फरारी को खींचती हुई मेरे को लग रही है। देखो यार पूरी कोशिश कर रही है और पूरा जोर लगाकर फरारी को खींचने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर फरारी यहाँ पे ब्रेक्स लगाने की कोशिश कर रही है पर इसके ब्रेक भी यहाँ पे लग नहीं रहे गाइस पूरी तरीके से। भाई यहाँ पर लंबोर्गिनी ने फरारी को खींच के रख दिया है। टग ऑफ वॉर में अपनी लंबोर्गिनी ने हरा के रख दिया है फरारी को। अभी कराएंगे वेट पुल टेस्ट। देखो यार लंबोर्गिनी के पीछे मैंने एकदम भारी भरकम वाला ट्रक बांध दिया है। अभी इसके अंदर दो ईंटें लाद देते हैं यार, देखते हैं इतना ज्यादा वेट अपनी लंबोर्गिनी खींच पाती है या नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो यार लंबोर्गिनी इतने वेट के कारण सामने की तरफ से पूरी तरीके से उठ चुकी थी। अभी देखो यार नीचे बैठ चुकी है, ये पूरी तरीके से कोशिश कर रही है वेट को खींचने के लिए। भाई काफी सही तरीके से इतना ज्यादा वेट अपनी लंबोर्गिनी कार खींच सकती है। सेम टेस्ट करेंगे फरारी के साथ, पीछे सेम ट्रक है और ट्रक के अंदर दो ईंटें मैंने डाल दिया। देखते हैं भाई वेट खींच पाती है नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसके टायर्स भी जो है ना गाइस बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे थे। अभी देखो यार ये प्रॉपर तरीके से ग्रिप जमा चुकी है यहाँ पर और खींच के लेके जा रही है, पर लंबोर्गिनी जितना स्पीड से यह खींच के नहीं लेके जा रही है। तो भाई वेट खींचने के मामले में लंबोर्गिनी जीत चुकी है। फरारी कार भी खींच रही है पर बहुत ज्यादा स्लो तरीके से वेट को खींच के लेके जा रही है। सुपर कार के साथ ड्रिफ्ट टेस्ट तो करना बनता है यार। यहाँ पे अपनी लंबोर्गिनी सुपर कार होने के कारण एकदम खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह मार सकती है। ओ माय गॉड, इसके सामने के व्हील्स एकदम स्टेबल है, पीछे के व्हील्स बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं, इस वजह से मस्त तरीके से यह ड्रिफ्ट वगैरह मार सकती है। सेम टेस्ट करेंगे फरारी के साथ, देखते हैं ड्रिफ्ट वगैरह मार सकती है नहीं। मेरे को नहीं लगता है ड्रिफ्ट मारेगी यार, क्योंकि इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम है और यहाँ पर मैं ड्रिफ्ट मारने की ट्राई कर रहा हूँ पर यह बार बार जाकर दीवार से ही टकरा रही है। तो भाई ड्रिफ्ट के मामले में अपनी लंबोर्गिनी जीत चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये इतनी बड़ी वाली लंबोर्गिनी कार पसंद है या फिर ये इतनी बड़ी वाली फरारी सुपर कार पसंद है। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। शाउट आउट सबसे पहला नाम आ जाता है वंश जोशी, आर्यन, सार्थक, इंदर, सोहम, दीपक साहा, डीके पाठक, हैकम अली, टीटस बानिक, वेदांग। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।